नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कप सूजी से एकदम दूध के जैसे सफ़ेद चिप्स बनाने की ऐसी बेहतरीन रेसिपी, जिसे आप देखेंगे तो फ्रेंड्स बिना बनाए नहीं मानेंगे। और यकीन मानिए, कोई ये नहीं पता कर सकेगा कि ये सूजी से बना हुआ चिप्स है। खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और देखने में बिल्कुल आलू के चिप्स के जैसा ही बना के आज मैं दिखाने वाली हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके लिए हर रोज़ दो रेसिपी की वीडियो लेके आती रहती हूँ, जो कि एक 11 से 12 के बीच दिन में आता है और एक शाम में आता है 6 से 7 के बीच में। तो आप हमारे वीडियो को रोज़ देख पाएंगे। तो सूजी को डाल दी हूँ मिक्सर जार में और अच्छे से इसे थोड़ा बारीक करके पीस लेना है। सूजी मोटा हो या पतला हो, मिक्सर जार में डाल के इसे थोड़ा बारीक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर छोटा कप से एक ही कप ली हूँ सूजी और ढेर सारा चिप्स बना के आपको दिखाने वाली हूँ। अब इसमें डाल देना है पानी सेम कप से, जिससे आप सूजी ले, कप या ग्लास जिससे आप ले रहे हैं उसी बर्तन से इसमें पानी डालना है। तो फ्रेंड्स, पहले एक कप पानी डाल के इसे अच्छे से घोल लेती हूँ और बाकी का 2 कप पानी इसमें और डाल देना है। तो चलिए, इसमें 2 कप पानी और डाल देती हूँ और सूजी को अच्छे से फूलने देना है। यहाँ पर 3 कप पानी का इस्तेमाल हो चुका है। अब इसमें ढक्कन लगा के सूजी को अच्छे से छोड़ देना है फूलने के लिए। जितना अच्छा हमारा सूजी फूला रहेगा, उतना हमारे चिप्स का कलर एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा बनेगा। और इसे बनाऊंगी कैसे, वो आगे वीडियो में आप देखें, आधा अधूरा वीडियो देख के बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो आप चिप्स चाहते हैं, जैसा चिप्स मैं बना के दिखाऊंगी, वैसा नहीं बन पाएगा। अब इसमें ढक्कन लगा के छोड़ देती हूँ थोड़ा देर फूलने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चढ़ा ली हूँ बर्तन को चूल्हे पर। अब इसमें डाल देना है पानी। तो देखिए, यहाँ पर 1 कप पानी इससे डाली हूँ और पानी डालने के बाद इसे थोड़ा हल्का सा गर्म होने देना है। और इसमें जो सूजी फूलने के लिए डाली थी, देखिए सूजी हमारा कितना अच्छा से फूल गया है। तो इसे 5 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ी थी। अभी क्या करना है, सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, नहीं तो ये ऊपर में पानी से रहता है, नीचे में जम जाता है। तो उस तरीके से आप डायरेक्ट डाल देंगे तो पानी में जाते ही ये गुठली बन जाएगा, जो कि एकदम नहीं चाहिए, इसमें गुठली नहीं होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, पानी गर्म पानी में यहाँ पर डाली हूँ, तो कुल अभी तक 4 कप पानी का इस्तेमाल हो चुका है। और थोड़ा सा पानी बर्तन में डाल के 1 कप यहाँ पर और डाली, तो कुल हमारा 5 कप पानी का इस्तेमाल हो चुका है। फ्रेंड्स, पहले 3 कप पानी में सूजी फुलाई थी और 1 कप पानी को गर्म करने के बाद अभी 1 कप पानी, तो कुल हमारा 5 कप पानी का इस्तेमाल हुआ है 1 कप सूजी में। अब इसमें डालना है स्वाद के अनुसार नमक। पानी अभी और भी जाएगा, लेकिन वो कैसे जाएगा और कब डालना है आगे वीडियो में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, पापड़ बनाने के शौकीन, अभी तक आपने पापड़ बना के नहीं रखा है तो ज़रूर हमारा वीडियो देखिए और पापड़ बना के ढेर सारा रख लीजिए, रंग बिरंगे पापड़, जिसमें उड़द दाल के पापड़, मूंग दाल के पापड़, बहुत तरह तरह की पापड़ की रेसिपी मैं अपलोड की हुई हूँ। आप नए हैं तो ज़रूर देखिए, जिसमें ना ही आपको आटा गूँथने का ज़रूरत पड़ेगा, ना ही पापड़ बेलने का झंझट होगा। एकदम झटपट से आप बना सकते हैं 1 कप मूंग दाल या उड़द दाल से ढेर सारा पापड़। आपको बहुत पसंद आएगा, आप ज़रूर देखिए, अच्छा लगेगा हमारा बनाया हुआ रेसिपी। और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, तभी अगला वीडियो आप तक हमारा जा पाएगा और आप उसे देख पाइएगा। और जो कोई भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब पहले से कर रखे हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। यूं ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। देखिए फ्रेंड्स, अब ये थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, इतना ही गाढ़ा हमें इसे करना है। तो चलिए, इसे अब ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब इसके साथ हमें क्या मिक्स करना है जिससे कि हमारा चिप्स एकदम दूध के जैसा सफ़ेद बने, तो इसे लो फ्लेम करके रख देती हूँ, जब तक धीरे धीरे ये पकते रहेगा और ये लगेगा नहीं। आँच कम कर देने से क्या होगा, ये चिपकेगा नहीं। तब तक यहाँ पर मैं ले ली हूँ 1 आलू और आलू को छील के साफ करके पानी में डुबा के रखी थी। तो फ्रेंड्स, जितना छोटा कप से 1 कप हमारा सूजी था, उतना के लिए 1 आलू सही है। आप ज़्यादा सूजी लेंगे तो आप 2 आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू को साफ से धोने के बाद इस तरीके से पानी के अंदर कद्दूकस कर लेना है आलू को, जिससे कि इसका कलर चेंज ना हो
और आलू को अच्छे से पतला पतला घिस लेना है। आज बहुत ही नया तरीका आज आपको बताने वाली हूँ, आप देखते ही बनाना चाहेंगे फ्रेंड्स। और एक बार बना लेंगे डब्बा भर के चिप्स और स्वाद इसका चख लेंगे तो आप बार बार इसे बना के रखना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा आलू जो है कद्दूकस हो चुका है। अब इसे अच्छे से दो बार अच्छे से धो लेती हूँ साफ पानी से। आलू हमारा धुल चुका है, अब इसे डालना है मिक्सर जार में। और मिक्सर जार में डालने के बाद इसके साथ ही हमें डालना है फुला हुआ साबूदाना। तो साबूदाने को पहले से फुला के रखी हुई हूँ फ्रेंड, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से ये फूल चुका है। और इसमें से 4 चम्मच डाल देती हूँ, इसी खाने वाले चम्मच से, छोटे वाले चम्मच से 4 चम्मच फुला हुआ साबूदाना, 1 आलू और 1 छोटा कप हमारा सूजी, बस इतना ही का। देखिए कितना सारा मैं बना के आपको दिखाने वाली हूँ चिप्स। अब चलिए फ्रेंड्स इसमें डालना है 1 कप पानी, तो यहाँ पर 1 कप पानी का फिर से इस्तेमाल हुआ। और 1 कप पानी डालने के बाद इसे हमें अच्छे से एकदम पतला सा करके इसका पेस्ट बना लेना है। ऐसे तो आप इसे 2 से 4 बार ही चलाएंगे मिक्सर, क्योंकि एकदम बारीक हो जाएगा, क्योंकि हमारा साबूदाना भी बहुत अच्छे से फुला हुआ है और आलू भी एकदम बारीक कद्दूकस किया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके का घोल तैयार हो गया है। अभी सूजी जो पक रहा है उसी में हमें इस घोल को डाल देना है। और इसे मिक्स करना है। जब आप आलू और साबूदाने का घोल इसमें डाल दिए हैं तब इसे अच्छे से मिक्स करते जाइए, एक बार भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि साबूदाना है तो वो चिपकना शुरू कर देता है। और लगातार अच्छे से पकाना है। और फ्रेंड्स इसमें कोई भी मसाला नहीं डालूंगी, मसाला डालने से क्या होगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ नमक के साथ ही चिप्स को बनाना है। और आप जब चिप्स को फ्राई करेंगे तो आप ऊपर से चिप्स के ऊपर चाट मसाला या कोई भी मसाला, मिर्ची का पाउडर, जो भी आपको डालना है ऊपर से आप डाल के उसके बाद खा सकते हैं। इस अभी मैं इसमें कुछ भी, जैसे जीरा, लाल मिर्ची कुछ भी डाल देने से इसका कलर एकदम सफ़ेद सा नहीं बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस थोड़ा देर और पकाना है। यानी कुल आलू साबूदाना और सूजी को पकाते हुए 10 मिनट का टाइम देना है। तो आप समझ लेंगे 3 से 4 मिनट सूजी डालने के बाद पकाई हूँ और बाकी का समय आलू और साबूदाना और सूजी तीनों को डालने के बाद पकाई हूँ। तो देखिए हमारा बैटर जो है अच्छे से हो चुका है। अब इसे इतना ही गाढ़ा करना है हमें, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो चूल्हे को बंद कर देती हूँ और इसे उतार ली हूँ चूल्हे से नीचे। और देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा इसका कलर आप देख पा रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा अच्छा कलर जब ये सूखेगा और फ्राई करके दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। और बनाने का ऐसा तरीका आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी इसे थोड़ा हल्का सा ठंडा कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा जम जाएगा। अब यहाँ पर ले ली हूँ पॉलीथीन और पॉलीथीन पे हमें बना देना है इसका चिप्स। तो बस थोड़ा थोड़ा सा कलछी में लेते जाएं और इस तरीके से आप डालते जाएं, फैलाना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा डालें और बहुत ज़्यादा पतला पतला भी इसे नहीं बनाना है। आप देख पा रहे हैं तो इसी तरीके का आपको बैटर रखना है, जो आप चिप्स जब डालें तो बहुत ज़्यादा वो फैले ना। तो चलिए इसी तरीके से सारे को बना लेती हूँ और ढेर सारा हमारा चिप्स बनके तैयार हो जाता है इतना ही में। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा गोल मटोल सा चिप्स बन रहा है। और इसे धूप में सुखाना है, तेज धूप में डाल दीजिए, 2 दिन लग जाएगा बहुत अच्छे से चिप्स सूखेगा। जब एक तरफ से सूख जाए तब इसे पलट के दूसरे तरफ से सुखाइएगा, कच्चा चिप्स को नहीं उखाड़ना, नहीं तो ये टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाएगा। तो चलिए सारे को बना के धूप में डाल देती हूँ, जब हमारा चिप्स बहुत अच्छे से सूख जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी सूखने के बाद ये कैसा बना है। तो देखिए फ्रेंड्स चिप्स हमारा सूखने के बाद कुछ ऐसा बना है। और देखिए आपको लग रहा है कि सूजी से बना हुआ है, बिल्कुल आलू के चिप्स के जैसा ही बनता है। इस चिप्स को बनाने में आपको कोई भी झंझट नहीं है कि चिप्स को काटिए छाटिए और उबालने का टेंशन कुछ भी नहीं है। एकदम गोल मटोल सा बहुत ही सुंदर चिप्स बनता है। इसका कलर देखिए फ्रेंड्स कितना सफ़ेद है। तो आप भी बना के ढेर सारा रखिए। तो चलिए अब चिप्स को फ्राई भी करके आपको दिखाती हूँ। चिप्स फ्राई करने के लिए तेल हमारा गर्म है, अब इसमें डाल देना है चिप्स। तेल को बहुत ज़्यादा हीट नहीं कीजिएगा
और देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर देखिए कितना ही सुंदर है, एकदम पता नहीं चलेगा आपको जो आपने एक कप सूजी से इतना सारा चिप्स बना के तैयार किया। और स्वाद इसका एकदम आलू के जैसा ही लगता है, क्योंकि इसमें आलू का भी स्वाद है, साबुदाने का भी स्वाद है और सूजी का भी स्वाद है। तो सारे स्वाद मिलके एकदम बहुत ही गजब का टेस्टी बन के चिप्स हमारा तैयार होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चिप्स तलने के बाद भी तैयार है। और देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके का आएगा, बिल्कुल रेडीमेड जैसा चिप्स मिलता है वैसा ही इसका शेप हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर बना के रखिए। अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।